दोस्तों आप लोग गलत तरीके से वीडियो अपलोड करते हो इसलिए आपके वीडियोस पर व्यूज नहीं आता है दोस्तों आप लोग गलती क्या करते हो आप लोग यूट्यूबिकेशन को ओपन करते हो और प्लस आइकन पर क्लिक करते हो अपलोड वीडियो पर क्लिक करते हो और अपने वीडियो को अपलोड कर देते हो सबसे बड़ी गलती आप लोग यहीं पर करते हो दोस्तों आप लोग जब वीडियो अपलोड करते हो तो आपका वीडियो पर क्या होता है कि व्यूज धीरे धीरे डाउन चल जाता है लेकिन मैं जब वीडियो अपलोड करता हूं तो यहां पर लाइव देखो दोस्तों मैं जब वीडियो अपलोड करता हूं तो देखो यहां पर दो दिन पहले अपलोड किया हूं अठारह हजार है इस वीडियो पर इस वीडियो को देखो तो सात दिन पहले अपलोड किया लाख व्यूज चल गया है आठ दिन तो 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 के भीतर तो इस तो प्रकार तो तो से मेरे वीडियो आप यहां पर देखो मेरे चैनल को ओपन करके सारा वीडियो मेरा देख लेना तो यहां पर देखो दस दिन पहले अपलोड किया तैतालीस हजार व्यूज है उन्नीस हजार व्यूज है सताईस हजार व्यूज है यानी कि सारे वीडियोज पर बीस हजार तीस हजार पच्चीस हजार लाखों में व्यूज होता है क्यों होता है क्योंकि मैं अपने वीडियो को सही तरीके से अपलोड करता हूं मुझे पता है कि YouTube पर कैसे वीडियो अपलोड करना है कौन कौन सी से सेटिंग करना होता है लेकिन आप लोग क्या करते हो बस वीडियो अपलोड कर लेते हो यूट्यूब अप्लीकेशन से और वाई स्टूडियो में जाकर कुछ काम कर देते हो बस आप लोग समझते हो मेरा वीडियो अपलोड हो गया है भाई ऐसे वीडियो वायरल नहीं होता है अगर आपको अपने वीडियो वायरल करना है अगर आपको अपने वीडियोस पर व्यूज लाना है तो आपको एक सही प्रोसेस से वीडियो अपलोड करना होगा दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या होता है और दोस्तों मैं अपने वीडियो को सही तरीके से अपलोड करता हूं जिसके कारण मेरे चैनल पर कई वीडियो पर लाखों में मिलियन में व्यूज गया है देखो इस वीडियो पर तेईस लाख व्यूज गया है दो मिलियन से ज्यादा इसमें भी दो मिलियन व्यूज गया है इसमें देखते हैं अठारह लाख व्यूज गया है सत्रह लाख व्यूज गया है और यहां पर नौ पॉइंट आठ लाख व्यूज गया है मेरे कई वीडियो जो कि मिलियन में व्यूज किया है क्यों क्योंकि मैं सही तरीके से वीडियो अपलोड करता हूं और दोस्तों अगर मैं आपको अपना वाई स्टूडियो ऐप को ओपन करके दिखाऊं तो देखो मेरे यहां पर देखो 40 लाख व्यूज होता है 28 दिन के भीतर मेरे वाई स्टूडियो ऐप में मेरे उतने वीडियोस पर व्यूज आता है 28 दिन के भीतर और यहां पर देखिए और आपको दिखाता हूं चलिए मैं यहां पर ओपन कर लेता हूं सब्सक्राइबर देखो महीना मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ता है छियासठ हजार एक महीना में छियासठ हजार सब्सक्राइबर डेली दो हजार सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर बढ़ता है और यहां पर देखो मेरे चैनल पर जो अड़तालीस घंटे का जो व्यूज होता है दो लाख इकसठ हजार दोस्तों आप यहां पर देखो दो लाख इकसठ हजार व्यूज होता है अड़तालीस घंटे के भीतर क्यों होता है और मेरे चैनल पर यह नहीं कई सारे वीडियो अभी वायरल है यहाँ पर देखो अभी मैं आपको दिखाता हूं जो कि देखते इतने सारे वीडियो मेरे चैनल पर भी वायरल है सभी पर व्यूज आ रहा है यहां पर देखो यहां पर 48 घंटे में 60 मिनट में पर व्यूज देख सकते हो सभी वीडियो भी मेरा ये सारा वायरल है क्यों वायरल है क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूं सही प्रोसेस से अपलोड करता हूं सही तरीके से अपलोड करता हूं तो मेरा वीडियो वायरल हो जाता है दोस्तों आज मेरे चैनल पर साढ़े चार लाख सब्सक्राइबर हो गया है क्यों हो गया है क्योंकि मैं सही तरीके से वीडियो अपलोड कर रहा हूं तब तो लेकिन आप लोग क्या करते हो गलती करते हो वीडियो अपलोड करने का टाइम जो कि यूट्यूब अप्लीकेशन से जब अपलोड करता है तो वहां पर क्या करता है अपना टाइटल देता भी नहीं है बहुत सारे लोग आई टी स्टूडियो ऐप में जाकर टाइटल देता है

तो आज की इस वीडियो में आपको सही तरीका बताऊंगा जो कि कैसे आपको अपने वीडियो को अपलोड करना है जिस तरह से मैं करता हूं उस प्रकार से अगर अपलोड करते हैं तो मेरे चैनल पर सिर्फ चार महीना छह महीना के भीतर मैंने साढ़े चार लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट किया इस प्रकार से आप भी कर सकते हो सही तरीके से अपलोड करते हो तो और आपके भी वीडियो वायरल होंगे मेरे चैनल पर कई सारा वीडियो मैंने आपको दिखाया जो कि इतने सारे वीडियो वायरल है इस प्रकार से आप भी वायरल कर सकते हो चलिए मैं आज की इस वीडियो को सही तरीका बताता हूँ जो कि कैसे आपको वीडियो अपलोड करना है लेकिन दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ कि वीडियो को स्किप करके मत देखना क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे सेटिंग बताऊंगा जो कि आपको अपलोडिंग के टाइम करना है उसको मैं करता हूं तब मेरा वीडियो वायरल होता है जैसे कि आपको टाइटल रखने का टाइम आपको कुछ दिमाग लगाना है

आपको मैं क्लियर बताता हूं कि बहुत सारे लोग अपना क्रोम ब्राउजर से अपलोड करता है किसी के पास लैपटॉप है तो अपने क्रोम ब्राउजर से अपलोड करता है तो आपको बताता हूं कि 99% लोग मोबाइल से अपलोड करता है मैं भी अपने वीडियो को मोबाइल से ही अपलोड करता हूं के से और आपको भी अपने यूट्यूब से ही अपलोड करना है उसी से वायरल होता है भाई ठीक है तो चलिए मैं आपको अपलोड करके दिखाने वाला हूं जो कि लाइव आपको कैसे अपने वीडियो को अपलोड करना है ठीक है अब यहां पर देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के यूट्यूब अप्लीकेशन को ओपन करना है तो मैं यूट्यूब अपलीकेशन को ओपन कर लेता हूं जब भी आपको अपना वीडियो अपलोड करना है उसके बाद आपको पहली काम आपको यहां पर प्लस आइकन पर तो क्लिक करना है लेकिन जो लोग आपको बता करके रखे हैं उससे कुछ अलग तरीके से आपको काम करना है जो कि मैं उस तरीके से करता हूं यहां पर देखिए दोस्तों आपको सबसे पहले इस प्लस आइकन पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको क्रिएट ए शॉर्ट्स मिलता है और अपलोड ए वीडियो मिलता है तो आपको यहां पर अपलोड ए वीडियो पर क्लिक करना है इस पर ठीक है तो इस पर मैं क्लिक करता हूं बाकी दोस्तों आपके सामने इस पर इंटरफेस खुल जाएगा आपका सारा वीडियो दिख जाएगा तो बस अपने वीडियो को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करेंगे अब भाई देखिए बहुत सारे लोग पहली गलती यहां पर करता है गलती क्या करता है यहां पर डायरेक्ट अपना वीडियो को अपलोड पर क्लिक कर देता है और अपना टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा चीज भरता है अपना स्टूडियो ऐप में जाकर तो यही गलती करता है पहला लोग जिसके कारण यूट्यूब डिसाइड नहीं कर पाता कि आपका वीडियो कहां पर रैंक कराना है तो यहां पर देखिए भाई जब भी आप YouTube पर वीडियो अपलोड करने जा रहे हो तो पहले आपको अपना टाइटल आपको यहीं पर पेस्ट करना है यानी कि यहीं पर आपको लिखना है तब मॉनिटर कर पाएगा जो कि आपका वीडियो को कहां पर भेजना है किसके पास भेजना है तब YouTube डिसाइड कर पाएगा तो आपको अपने वीडियो को अपलोड करने के ही टाइम आपको यहां पे टाइटल देना है तो अनिवार्य है ये देना है तब आपका वीडियो वायरल होगा आपके पर भाई क्योंकि आपको पता होगा जैसे अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका एक ब्लू कलर का पट्टी चलेगा तो उस टाइम चेक करता है कि कौन सी टाइटल पर रैंक कराना है तो टाइटल आपको यहीं पर देना है लेकिन टाइटल भी आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिख नहीं देना भाई यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट टाइटल लिख देंगे तो आपका वीडियो फिर नहीं चलेगा टाइटल को कैसे बनाना है टाइटल कैसे हम बनाते हैं कैसे हम टाइटल को बनाते हैं, हैं वो आपको दिखाते लाइव ठीक है तो दोस्तों टाइटल बनाने के लिए आपको पहले वीडियो अपलोड करने से पहले टाइटल बना लेना है कैसे बनाया जाता है वो यहां पर देखिए यहां पर देखिए इस साइड ठीक है इस साइड आपको क्या करना अपने यूट्यूब अपलिकेशन को ओपन कर लेना है और इसी से टाइटल ले बनाना है उसके बाद आपको यहां पर अपने इस लोगों पर क्लिक करना है जो कॉर्नर में दिखता है ये लोगो इस लोगो पर क्लिक करना है और यहां पर पहले टर्न वन इन गोटिव ओपन कर लेना है इस पर क्लिक कर लेना है टाइटल बनाने के लिए अगर मेहनत करेंगे तो ही वीडियो वायरल होगा भाई मेहनत नहीं करेंगे तो वीडियो आपका कहां से वायरल होगा तो इस पर क्लिक करने के बाद अब यहां पर आपको यह देखना है कि लोग क्या सर्च करके मेरा वीडियो को देख सकता है

और कॉपी करके पहले इस टाइटल को आप अपने नोट्स में लिख लो अपने मोबाइल के नोट्स में लिख लो ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो कोई दिक्कत ना हो ठीक है यहां पर लिख लिया हो और ये टाइटल अभी आपका नहीं बना है हंड्रेड परसेंट नहीं बना है यहां पर क्या करना है आपको अपने टाइटल में यहां पर एक डंटा इस प्रकार से खड़ा करना है और यहां पर देखिए आपको अपने टाइटल में इस की को दो बार लाना है जो ब्यूज वाला कीवर्ड है इसको दो बार लाना है तो दो बार कैसे आएगा और दो बार अगर आता है तो आपका वीडियो यूट्यूब के एसियो में जाकर फिट होता है और आपका वीडियो वायरल होने के ज्यादा चांसेस होता है दोस्तों अक्सर देखा हूं कि ज्यादा चांसेस होता है ठीक है तो दो बार आएगा कैसे दो बार लाने के लिए सिंपल YouTube पर फिर से सर्च देखो कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं तो यहां पर दिखाई दे रहा है स्पष्ट इस लोग इसको भी सर्च कर रहे हैं देख सकते हैं और अगर इस कीवर्ड को भी मैं दे देता हूं तो दो बार आ जाएगा तो बस मैं क्या करूंगा इसको भी कॉपी कर लेता हूं या फिर यहां पर लिख सकते हैं हाउ टू इनक्रीज व्यूज ऑन यूट्यूब ठीक है इस प्रकार से भी लिख सकते हैं तो मुझे व्यूज वाला शब्द दो बार लाना है तो बस उसको यहां पर मैंने कॉपी कर लिया और यहां पर पेस्ट कर दिया हूं तो ये मेरा टाइटल हो गया कंप्लीट भाई देखो यहां पर मेरे टाइटल में व्यूज एक बार आ गया दो बार आ गया ये मेरा टाइटल हुआ परफेक्ट वाला और उसी टाइटल को अब यहां पर आपको पेस्ट करना है भाई आप इस टाइटल को यहां पर दे दिए हो ना तो बहुत बड़ा काम किए हो आपका वीडियो जल्दी से जल्दी वायरल होगा क्योंकि YouTube को पता चल जाएगा कौन से टाइटल पर इसको रैंक कराना है तो यहां पर आपको टाइटल अपना दे देना है अब एक काम करना है आपको अपने टाइटल को एक बार अपने डिस्क्रिप्शन के सबसे टॉप में पेस्ट कर देना ये यूट्यूब का ऐसी कुछ इस प्रकार से काम करता है कि आपको इस प्रकार से करना जरूरी है अगर आप करते हैं मेरे जितने भी वी वीडियो वायरल हुए हैं आप जाकर सभी वीडियो को ओपन करके देख लेना सबसे टॉप में मेरा डिस्क्रिप्शन में दिखेगा मेरा टाइटल ठीक है अब इसके बाद दोस्तों आपका डिस्क्रिप्शन का जो बाकी का काम है डिस्क्रिप्शन का वो करना है वाई टी स्टूडियो एप से लेकिन कैसे करना है सारा चीज बताऊंगा वहां पर ठीक है क्या क्या आपको दिमाग वहां पर लगाना है वीडियो को वायरल करने के लिए अब उसके बाद आपको यहां पर देखिए यहां पर आपको कुछ भी काम करना नहीं है बस आपको क्या करना है यहां पर जो विजुअलिटी मिलता है बहुत सारे लोग यहां पर भी गलती करते हैं विजिबिलिटी में क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग यहां पर प्राइवेट पर अपलोड कर देता है बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहां पर पब्लिक पर क्लिक कर देता है आपको हमेशा अपने वीडियो को जब भी अपलोड कर रहे हो तो पहले आपको अनलिस्टेड में रखना है अनलिस्टेड जो ये वाली ऑप्शन दिख रहा है अनलिस्टेड पर जैसे कि मेरा टिकअप है मैं अपने सारे वीडियो को इसी से वायरल कराया हूं अनलिस्टेड पर रखना है उसके बाद दोस्तों आपको बैक करना है और आपको पब्लिक कब करना है वो भी आपको बताऊंगा उसके बाद आपको बस यहां पर जो मिलता है ऑडियंस वाला ऑप्शन तो ऑडियंस वाले ऑप्शन में बहुत सारे लोग गलती करते हैं जिसके कारण उसका वीडियो सही लोगों के पास पहुंच ही नहीं पाता है वो क्या करते हैं बहुत सारे लोग यहां पर एस पर क्लिक कर देते हैं भाई अगर एस पर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो बच्चे के पास रह जाएगा बड़ा आदमी के पास जाएगा ही नहीं तो व्यूज कहां से आएगा और उसके बाद तो आपको हमेशा अपने वीडियो को यहां पर नो पर क्लिक करना है ताकि सभी लोगों के पास मेरा वीडियो जाए बच्चा हो बड़ा हो छोटा हो सभी के पास जाए इसलिए आपको नीचे पर क्लिक करना है हमेशा यहां पर नीचे पर क्लिक करना है ठीक है अब उसके बाद दोस्तों सेकेंड ऑप्शन मिलता है यहां पर एक रेस्टिडेंट ठीक है आपको यहां पर इसको भी सेटिंग करना है यहां पर क्या करना है आप देख सकते हैं आपको यहां पर भी नो no पर क्लिक कर देना है ताकि आपका वीडियो सब कोई देख सके अठारह साल से नीचे का भी बड़ा का भी सब कोई देख सके आपको क्लिक कर देना है उसके बाद आपको यहां से बैक करके यहां का जो काम था वो आपका हो गया कंप्लीट बाकी का काम आपको करना है वाई टी शेड्यू एप में उसके बाद आपको यहां पर वीडियो अपलोड पर आपको क्लिक कर देना है अपलोड पर क्लिक कर देना लेकिन अभी आपका अपलोडिंग नहीं हुआ है भाई यहां पर देखिए मैं चलिए अपलोड पर क्लिक कर देता हूं तो दोस्तों मेरा वीडियो अपलोड होना यहां पर स्टार्ट हो चुका है जो कि देख सकते हैं अब इसमें बहुत सारा सेटिंग करना है जो कि वाई स्टूडियो ऐप में जैसे डिस्क्रिप्शन में में कुछ काम करना है, में भी कुछ काम काम करना 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 है करना है है भी और वायरल सेटिंग तो वो कहां से यहां पर देखिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के वाई टी स्टूडियो अप्लीकेशन को ओपन करना है और यहां से आपको सारा सेटिंग करना है तो दोस्तों मैं यहां पर अपना वाई टी स्टूडियो अप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूं और यहां पर देखता हूं मेरा वीडियो आ चुका है अब यहां से आपको सारा सेटिंग करना है यहां पर मैं चलिए वीडियो को ओपन कर लेता हूं पहले अब ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है पेंसिल आइकन पर इस पर आपको क्लिक करना है तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ अब उसके बाद देखिए सारा वायरल जो सेटिंग किया जाता है वो यहीं से आपको करना है तो वो कैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है अपने डिस्क्रिप्शन में एक काम करना है डिस्क्रिप्शन में आपको अपना जो भी इंस्टाग्राम अपना फेसबुक जो भी लिंक देना है पहले आपको लिंक यहां पर दे लेना है उसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना जो इंस्टाग्राम लिंक वगैरह जो होता है ये सब दे दिया हूं इसको जरूरी नहीं देना मैं दे दिया हूं अपना इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह का लिंक ठीक है लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट काम करना है वो काम क्या है आपको चलिए दिखाता हूं तो दोस्तों वो काम क्या करना है जैसे कि अब यहां पर देखो मैं यूट्यूब पर सर्च करता हूं यूट्यूब चैनल कैसे बनाए तो ये वीडियो सबसे टॉप में क्यों रैंक कर रहा है क्यों रैंक कर रहा है क्योंकि देखो इसका डिस्क्रिप्शन में ओपन करता हूं तो देखो बहुत सारे कीवर्ड इसने डाल करके रखा है अपने वीडियो में देखो बहुत सारा की डाला है तो ये की की वजह से इसका वीडियो सबसे टॉप में रैंक कर रहा है और डेली इसमें चालीस हजार पचास हजार व्यूज भी आ रहा है देखो कितना व्यूज हो चुका है इस वीडियो पर देखो वीडियो पर व्यूज तो क्यों रैंक कर रहा है क्योंकि इसने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा कीवर्ड यूज किया लेकिन ये की कहां से लगाया है इसने क्या आपको पता है तो वो यहां पर देखो आपको भी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस प्रकार का कीवर्ड लगाना है तो वो कीवर्ड कहां पर मिलेगा वो कीवर्ड आपको मिलेगा यूट्यूब अप्लीकेशन से यहां पर यूट्यूब अप्लीकेशन को ओपन करके आपको यहां पर भी अपने लोगों पर क्लिक करके टर्न इन गोटी ओपन कर लेना ठीक है इसको ओपन कर लेना और यहां पर आपको सर्च करना है आप अपने वीडियो का जो टाइटल दिए हो बस उसी टाइटल को आपको सर्च करना है तो दोस्तों मैं यहां पर देखो सर्च किया व्यूज कैसे बढ़ाएं यहां पर लिखा हो तो देखो यहां पर बहुत सारे कीवर्ड यहां पर आ रहा है तो इन्हीं सारे कीवर्ड को आपको अपने डिस्क्रिप्शन में यूज करना है लेकिन इन सारा कीवर्ड को कॉपी कैसे करेंगे एक एक करके आप लिख भी सकते हो या फिर एक साथ कॉपी कर सकते हो एक साथ भी कॉपी होता है उसका भी एक ट्रिक है बाकी इन सारे कीवर्ड को कॉपी कैसे करना है कॉपी करने के लिए इसका एक एक स्क्रीनशॉट ले लेना और आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना कॉपी टेक्स्ट ऑन स्क्रीन तो उस एप्लीकेशन से आप एक क्लिक में सारा टेक्स्ट को निकाल सकते हो स्क्रीनशॉट से और सारा अपना डिस्क्रिप्शन में आप जाकर पेस्ट कर सकते हो या फिर आप एक एक करके अपने डिस्क्रिप्शन में सारा कीवर्ड को देख देख कर कॉपी करके यहां से वहां लिख भी सकते हो ठीक है तो यहां पर इन सारे कीवर्ड को आपको अपने डिस्क्रिप्शन में यूज करना है मैं अभी यूज करने वाला हूं और उसके बाद एक तरह से आपको सर्च नहीं करना है यहां पर आपको यह भी सर्च करना है जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर मैं सर्च करता हूं यहां पर मैं लिखता हूं हाउ टू हाउ टू इंक्रीज हाउ टू इंक्रीज व्यूज तो दोस्तों आपको यह भी सर्च करना है हाउ टू इंक्रीज वी आई मैं लिख लेता हूं व्यूज तो यहां पर देखो मैंने सर्च किया हाउ टू इंक्रीज व्यूज तो यहां पर भी बहुत सारे कीवर्ड दिख रहा है तो इन्हीं सारा कीवर्ड को आपको लगाना है आपका वीडियो जो भी टॉपिक पर है तो उस टॉपिक को आपको सर्च करना है उस टाइटल को सर्च करना है जितने भी कीवर्ड मिलेगा इन सारा कीवर्ड को आपको अपने डिस्क्रिप्शन में एड कर देना है वीडियो वायरल होता है जल्दी इससे चलिए मैं एक एक करके सभी को कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन में लिख लेता हूं यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन में चलिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ठीक है यहाँ पर मैंने लिखा हूँ जो कि देखता हैं योर क्योरी इसके नीचे सारा एड कर लेता हूँ एक एक करके थोड़ा मेहनत करना होगा भाई या फिर कॉपी टेक्स्ट टेक्सट स्क्रीन से तुरंत कॉपी कर सकते हो तो दोस्तों देखो मैंने एक एक करके सारा यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन में लिख लिया सारा दोस्त यहाँ पर मैंने टाइप कर लिया हूँ एक एक करके ठीक है मेहनत करना होगा वीडियो वायरल करना है तो उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ हैश भी लगाना है यहां पर आपको कुछ हैशटैग लगाना है जैसे कि यहां पर आप उसी से रिलेटेड लगाना है पर मैं लिख लेता हूं, यहां पर लिखता हूं देता हूं यहां पर लगा देता हूं तो यहां पर मैंने कुछ हैशटैग भी लगा लिया हूं ठीक है क्योंकि हैशटैग से भी वीडियो रैंक करता है तो आपको भी हैशटैग लगा लेना है इस प्रकार से अब उसके बाद यहाँ का काम आपका हो गया क्लियर अब यहाँ पर देखिए आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है

यहां पर देखो टैक्स में दोस्तों एक चीज सबसे टॉप में रखना आपको सबसे टॉप में टाइटल को रखना है, करना है में लगाने के लिए, और उसके बाद अपना टैक्स में यहां पर एक बार पेस्ट कर देना अपना टाइटल को यह हो गया अब सेकेंड जो आपके टाइटल में जो सेकेंड एक की है इसको भी कॉपी कर लेना है और यहां पर आपको अपने टैक्स में पेस्ट कर देना है तो मैं पेस्ट कर देता हूं ये देखो यहां से सिर्फ आपको दो ही टैक्स लगाना है सिर्फ दो ही यहां से आपको टैक्स लगाना है बाकी का टैक्स आपको कहां से लगाना है और भी यहां पर टैक्स तो मुझे डालना है तब तो मेरा वीडियो ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा तो बाकी का टैक्स आपको लगाने के लिए आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन यूज करना है जो कि मैं यूज करता हूं और यूट्यूब से सर्टिफाइड है वो एप्लीकेशन जिसका नाम है बिड आई क्यू उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर जो मिलता है कैटेगरी बहुत सारे लोग सेलेक्ट ही नहीं करता है जिसके कारण आपका वीडियो सही लोगों के पास पहुंचता ही नहीं है जिसके कारण लोग देखता ही नहीं आपका वीडियो तो आपको कैटेगरी हमेशा सेलेक्ट करना है आपका कैटेगरी जो भी है कॉमेडी एजुकेशन है इंटरटेनमेंट है आपको सेलेक्ट करना है अपना मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है मैं सेलेक्ट कर लेता हूं आपका जो है सेलेक्ट करना है तब तो आपका वीडियो उन्हीं लोगों के पास पहुंचेगा तो हमेशा सेलेक्ट करना है यहाँ पर अब सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ का आपका काम हो गया कंप्लीट अब यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर आपको बैक करना है और अंतिम में आपको अपने टैक्स वाला जो काम बताया हूं जो कि आपको से करना है उसको भी चलिए आपको दिखाता हूं जो कि कैसे लगाना है वहां से ठीक है यहां पर देखिए आपको यहां से अपना थमनेल को भी अटैच कर लेना है जो थमलेल यहां पर मिलता है इस पर क्लिक करके थमनेल लगा लेना है यहां पर देखो तो मैं यहां से दिखा देता हूं आपका यहां पे गैलरी ओपन हो जाएगा जो भी थंबनेल आपको लगाना है अपने वीडियोस में वो थंबनेल को भी यहां से लगा लेना है तो चलिए मैं थंबनेल अभी नहीं बनाया हूं वो बना करके लगा लूंगा बाद में ठीक है तो यहां से आपको सारा थंबनेल वगैरह लगाने के बाद दोस्तों अब आपको यहां से अपने वीडियो को एक बार यहां पर सेव कर लेना है एक बार सेव कर लेना है और एक बार सेव करेंगे उसके बाद आप बिड आईक्यूशन से अपना सारा टैक्स को एड कर सकते हो तो यहां पर मैंने सेव कर लिया और ये वीडियो अभी भी मेरा अपलोडिंग में चल रहा है जो कि यहां पर देख सकते हैं ठीक है थीके? अब दोस्तों टैक्स को पूरा करने के लिए आपको अपने मोबाइल में बिड आईक्यू एप्लीकेशन को जो कि डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर पर मिल जाएगा ठीक है और बिड आईक्यू अपन को आपको ओपन करना है जो कि यूट्यूब से सर्टिफाइड है यहां पर लाइव देख सकते हो यूट्यूब खुद इसे सर्टिफाइड किया है ठीक है अब यहां पर देखिए आपको क्या करना है टैक्स लगाने के लिए आपका वो वीडियो यहां पर दिख जाएगा बी डी क्यू एप्लीकेशन में तो बस उस पर क्लिक करना है और यहां पर देखिए आपका टैक्स अच्छा लगा है नहीं लगा है वो भी बताएगा बी डाई एप्लीकेशन यहां पर देखिए आपको यहां पर एस स्कोर दिखेगा उन्नीस दो टैक्स लगाएंगे अपने वाई स्टूडियो से तब तो आपको यहां पर एस स्कोर को इंक्रीज करना है कैसे इंक्रीज होगा और टैक्स लगाएंगे तो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा यहां पर देखिए टैक्स लगाने के लिए सिंपली स्कॉल करना है और यहां पर देखो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ऑलरेडी ये सजेशन करेगा बी डी आईन तीनों को बस आपको प्लस पर क्लिक करना है इस प्रकार से और एक बार आपको यहाँ पर पब्लिक सेब पर क्लिक करना है तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूं उसके बाद दोस्तों देखिए ना मेरा एसियो स्कोर अभी बढ़ेगा ऊपर में लाइव दिखाता हूं आपको ऊपर में इंक्रीज होगा मेरा एसियो स्कोर तो दोस्तों मैंने तीन टैक्स लगाया और देखो एसियो स्कोर मेरा यहां पर बयालीस हो चुका है अब फिर से तीन आपको यहां पर सजेशन करेगा इन तीनों को फिर से एड करना है प्लस पर क्लिक करना है इस प्रकार से एड हो जाएगा बस आपको पब्लिक सेब पर क्लिक कर देना है तो देखो मेरा एस स्कोर फिर से बढ़ गया है यहाँ पर चौवालीस हो चुका है तो फिर से सजेशन करेगा फिर तीनों को सिलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से से आपको कम से कम 44%, 46 आपको कम कम स्कोर ऊपर में कर देना है ठीक है आपको कर देना है यहां पर देखो मेरा छियालीस प्रतिशत अभी हो जाएगा आपको लाइव दिखाता हूं तो दोस्तों मेरा यहां पर एसियो स्कोर हो चुका है छियालीस प्रतिशत जब आपका चौवालीस हो जाए छियालीस हो जाए तो समझ देना कि आपका टैक्स सही तरीके से लग गया है जब आपका ये टैक्स लग जाएगा तो वो टैक्स आपका ऑटोमेटिकली अपने आप आपके वाई स्टूडियो ओपन करेंगे तो यहां पर आपको सारा टैक्स दिख जाएगा जो कि आपके वीडियो में अपने आप लग जाएगा यहां पर जैसा लग गया है ठीक है जो भी डी से लगाए हो तो इतना हो गया अब दोस्तों जब आपका वीडियो हंड्रेड परसेंट अपलोड हो जाए तो उसके बाद आपको अपने वीडियो को पब्लिक कर देना पब्लिक करने के लिए क्या करना है थमले वगैरह लगाने के बाद आपको पब्लिक करने के लिए आपको विजुअलिटी पर यहां पर क्लिक करना है वाई स्टूडियो ऐप में और यहां से बस आपको पब्लिक पर क्लिक करके इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहां पर सेब पर ऊपर क्लिक कर देना है जैसे सेब पर क्लिक करेंगे तो लोगों को पास पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा और इसी प्रकार से मैं अपने सारे वीडियो वायरल करता हूं इसी प्रकार से अगर आप अपलोड करेंगे तो आपका भी वी वीडियो वायरल होगा तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना यूट्यूब से लेकर और भी वीडियो देखना चाहते हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम